हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सुजलिका फूड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इंडिपेंडेंस डे स्पेशल तिरंगे झंडे के कलर का केक बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एक बाउल में हम यहाँ पर 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे, 1/2 कप दही, दही फ्रेश होना चाहिए, 2/3 कप पिसी हुई चीनी। सभी को हमें अच्छे से मिक्स करना है। मैंने इसे खूब अच्छे से 1 मिनट फेंट लिया है। अब इसके ऊपर एक छन्नी रख के इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। आप घर का कोई भी कप या ग्लास कटोरी सेट कर लिया, सारा मेजरमेंट आप उसी से करें। 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे आप मीठा सोडा भी कहते हैं, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना ना डालें, इससे केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सभी को हम अच्छे से छान लेंगे। इसमें डालेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच पाइनएप्पल एसेंस, आप यहाँ पे वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। इसे हम थोड़ा मिला लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ टेक्सचर आया है। हमें इसी तरीके का रिवन कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए केक के लिए, आप देख सकते हैं। इस बैटर को बनाने में मैं यहाँ 1/2 कप दूध ली थी, जिसमें 1/2 बच गया है, यानी 1/4 कप दूध लगा है। आगे का प्रोसेस करने से पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं। मैं गैस पे एक कढ़ाई रखी हूँ, इसमें एक स्टैंड रख देंगे इस तरह का, ऐसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे प्रीहीट करेंगे। हम तिरंगा स्पेशल केक बना रहे हैं तो हम बैटर को 3 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। इस तरह हमने 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया बैटर को। अब एक हिस्से में हम डालेंगे केसरिया फूड कलर और इसे अच्छे से मिला देंगे। और दूसरे वाले में हम थोड़ा सा ग्रीन कलर डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इस तरह का एक केक टिन लिया है, आप घर का कोई भी कटोरी ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर डाल देते हैं और इस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब इस केक टिन में हम ग्रीन वाले बैटर को डालेंगे। ग्रीन वाला बैटर हमने डाल दिया है, अब इसमें हम डालेंगे वाइट वाला बैटर, सेंटर में ही डालना है। इसे हल्का सा थोड़ा सा टैप कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे केसरिया वाला बैटर, सेंटर में ही डालना है इस तरह। देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल तिरंगा के झंडे का कलर आया है इसमें। आप चाहे तो इसमें इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। हर बार स्टिक को हम इस तरह से पोंछ लेंगे इस तरह से। अब हम प्रीहीटेड कढ़ाई में इसे रख देंगे, इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे हमें 30 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बेक करना है। समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि सभी के गैस बर्नर और बर्तन अलग होते हैं, तो 25 से 30 मिनट के बाद इसे एक बार ज़रूर चेक करें। 40 मिनट हो गए हैं, हमारा केक कितना फूल गया है आप देख सकते हैं। अब इसमें हम एक नाइफ डाल के देख लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है। अगर आपका क्लीन ना निकले नाइफ, तो फिर आप इसे थोड़ी देर और बेक कर लें। अब इसे हम बाहर निकाल के ठंडा कर लेंगे। हमारा केक ठंडा हो गया है, अब हम एक नाइफ की मदद से इसके किनारों को इस तरह से हल्का कर लेंगे, ढीला कर लेंगे। फिर इसे हम एक प्लेट में पलट देते हैं, थोड़ा सा टैप कर देंगे, इसके बटर पेपर को हटा देते हैं। देखिए कितना बाउंसिंग बना है, आप देख सकते हैं। देखिए
मेरे काटने से ही आपको लग रहा होगा कि ये कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, स्पंजी बना है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल तिरंगे के जैसा आया है, आप देख सकते हैं कितना स्पंजी बना है, ये देखिए। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।